हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा, पंजाब में सुरक्षा चूक के बाद यहां सिक्योरिटी डबल, कांगड़ा में अष्टकोणीय शिवलिंग का दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हिमाचल में चल रही है। कांगड़ा जिले के इंदौरा के मिलवा के रास्ते यह पैदल यात्रा देवभूमि में प्रवेश हुई। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी के बाद राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ चल रहे युवा यात्री देख जवानी है कुर्बानी, राहुल गांधी तेरे नाल नारे लगा रहे हैं। वहीं पंजाब में सुरक्षा चूक के बाद यहां पर राहुल गांधी की सिक्योरिटी डबल की गई है। उनके साथ 400 पुलिस जवान और करीब 100 अफसरों की फौज चल रही है। यात्रा शुरू होने के बाद राहुल अब काठगाड़ महादेव मंदिर पहुँचे हैं, जहाँ वह शिव पार्वती की आराधना करेंगे। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो दो भागों में विभाजित है। इसके एक भाग को शिव तो दूसरे को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग अष्टकोणीय है। शिव के रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई तो 8 फीट है। वहीं माता पार्वती के रूप में पूजे जाने वाले हिस्से की ऊंचाई 6 फीट है। राहुल गांधी ने संबोधन के अंत में कहा, हिंदुस्तान के हर प्रदेश का इतिहास होता है, हर प्रदेश की भाषा अपना इतिहास है, जीने का तरीका होता है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जाना चाहिए, पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। पंजाब के सीएम से कहना चाहता हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।